दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। खुश आमदीद नाजरीन, A18 तेलंगाना न्यूज में अब तमाम का खैर मकदम है। नामपल्ली में बीजेपी के दफ्तर में जश्न का आगाज हुआ क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार इटेला राजेंद्र भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की खयादत कर रहे हैं। इटेला राजेंद्र हुजूराबाद असेंबली इंतखाबात में 5,105 वोटों के फर्क से आगे हैं। 90वें राउंड में बीजेपी को 1,835 वोटों की बरतरी हासिल है। पेश है हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान खान और मोहम्मद शौकत की A18 तेलंगाना न्यूज़ से ये खसूसी रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमें पहले ही पता था कि हम हुजूराबाद में लगभग 30,000 वोट से जीतेंगे और कांग्रेस और TRS पार्टी ये मिलकर एक नाटक खेले है। एक डम्मी कैंडिडेट कांग्रेस का लगा के वहाँ पर खेलने की कोशिश करे, लेकिन जनता ने उनको जवाब दिया है और लगभग उन्होंने 2,000 करोड़ रुपए जनता को सरकार का पैसा लगाया और लगभग 5,500 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किया और हर वोट को लगभग 20,000 रुपए बांटने के बाद भी जनता ने उनको तमाचे पे मारा है। और इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2023 में कंपलसरी बीजेपी सरकार तेलंगाना में अपना सत्ता कायम करेगी और आने वाले समय बीजेपी सरकार बनाएगी। कांग्रेस का बिल्कुल हो गया। अब रेवंत रेड्डी आखिरी में प्रेसिडेंट बना, कहीं को बोलो तो पूरा देश भर में जेड हो गया, पूरे देश भर में साफ हो गया। कांग्रेस का नाम बोलते ही पब्लिक को वोमिटिंग आ रहा है। पब्लिक में जो है ना कांग्रेस वाले बोलते ही जो है ना ची 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 बोल रहे और वो जो है ना इससे ये खत्म होने का दिन आ गया। कांग्रेस रेवंत रेड्डी जो है ना फुकड़ में लीडर बना, उसमें कोई गिनती नहीं है। रेवंत रेड्डी का फुस्स है, वो जितना जोर से भी मारे ना उतना आवाज़ नहीं आता। आज डबल दीपावली मनाना, हुजूराबाद का रिजल्ट देख लेके और MIM को कांग्रेस को सभी पार्टियों को मुंह तपड़ जवाब दिए सर का भारतीय जनता पार्टी का विजय होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी आगे जो है ना तेलंगाना में सत्ता में आने वाला है। तेलंगाना में जो अभी जो इलेक्शन चल रहा है कम से कम 40 से 50 हज़ार मेजॉरिटी से हम जीत रहे हैं। 1800 दिनों में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के ऊपर बीजेपी का झंडा रहला रहेगा और 1800 दिनों में ओल्ड सिटी में जो अभी तक जो डेवलपमेंट नहीं हुआ वो भारतीय जनता पार्टी से और ओल्ड सिटी और पूरा तेलंगाना राष्ट्र में बीजेपी का डेवलपमेंट होएगा। बीजेपी का गवर्नमेंट आए तो डेवलपमेंट ही होता है। बीजेपी का पार्टी के तरफ से डेवलपमेंट होता। जो TRS पार्टी जो कितने भी करोड़ों के रुपये केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट से जो अमाउंट लेके आ रही वो पूरा उनके जोबों में जा रहा। गवर्नमेंट में कुछ भी आजकल कितने भी गवर्नमेंट से जो फंडिंग लेके आ रहे हैं वो पब्लिक में इश्यूज़ खर्च नहीं कर रहे। कल नाम को गवर्नमेंट चला रही है। RSO 23 में बीजेपी का गवर्नमेंट तेलंगाना में भी फॉर्म हो जाएगा और ईटल राजेंद्र जी 40 से 50 हज़ार मेजॉरिटी से जीतने वाले हैं। शहर हैदराबाद का निजामी जायका विजयनगर कॉलोनी में फलक मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, जहां हर किस्म का पकवान मौजूद है। आपकी खिदमत के लिए हैदराबादी जाफरानी बिरयानी, पोटली के मसाले के साथ नहरी पाए, सी फूड मोटन के कई सारे आइटम्स, चिकन में 75 किस्म के आइटम्स, चिकन बिरयानी, हल्दी मटन बिरयानी, हंडी और दिगर लजीज डिशेस दस्तियाब है। ईरानी चाय जो एक बार पिए तो बार बार पीने का दिल करे। यहाँ AC डाइनिंग हॉल की सहूलत है, साथ ही अलग से फैमिली सेक्शन की सहूलत भी दस्तियाब है।
बैंकेट हॉल भी अवेलेबल है। 200 से 300 मेंबर्स के लिए बुकिंग की जा सकती है। मजीद तफसलात के लिए राब्ता करें 9290127152 या 9010085141 पर। हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डर भी अवेलेबल है। स्विगी जोमैटो पर भी हम मौजूद है। फलक रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर सैयद फसीउल्लाह हुसैनी, फलक रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल, मुगलाई, तंदूरी, चाइनीज, चिकन, बिरयानी, ईरानी चाय। एड्रेस अपोजिट यूनियन बैंक, आसिफ नगर।